हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24 ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू अपडेट की। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसमें हम बात करेंगे टीचर रिक्रूटमेंट्स के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट से ये रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उससे भी पहले आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसके भी साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी मिनिमम चार्जेस में आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, और साथ में अब आपको वीडियो कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये जो अपडेट आ रही है जिसमें हमने देखा कि टीचर रिक्रूटमेंट्स की यहाँ पर अपडेट आ रही है और ऑलमोस्ट सभी स्टेट से हमें ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी, जो कि नवोदय विद्यालय समिति से हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनकी इसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। अगर हम बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद बीएड। और बात करते हैं टीजीटी एंड क्रिएटिव स्टाफ के लिए, ग्रेजुएशन मांगी है 50% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड भी कंपलसरी मांगी है, और साथ में जिनका सीटेट क्वालिफाई होगा उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर बात करते हैं फॉर एफसीएसए, इसके लिए यहाँ पर 50% मार्क्स मांगे गए हैं ग्रेजुएशन में। तो इस तरह से यहाँ पर तीन पोस्ट आ रही हैं, जहाँ से भी किसी भी रीज़न से हम यहाँ पर पोस्ट देखेंगे। अब अगर बात करते हैं अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पर 50 साल जो है वो अपर एज लिमिट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन जो है सैलरी, अगर बात करते हैं पीजीटी में यहाँ पर जो सैलरी दी गई है वो 35,750, जो कि नॉर्मल स्टेशन के लिए है। हमें पता है कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, अगर नॉर्मल स्टेशन में होती है तो यहाँ पर इतनी आपको पे स्केल मिलेगी पर मंथ, और अगर हार्ड स्टेशन में आपकी यहाँ पर होती है पोस्टिंग तो इसमें जो पे स्केल है वो 42,250 है पीजीटी के लिए। अगर बात करते हैं टीजीटी, क्रिएटिव स्टाफ और एफसीएसए, तो इन तीनों के लिए जो पे स्केल रहेगा नॉर्मल स्टेशन के लिए 34,125, और अगर बात करते हैं हार्ड स्टेशन के लिए तो यहाँ पर 40,625 आपका पे स्केल रहेगा। इसके बाद ये तो हमने बात कर ली, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये जो सभी स्टेट से रिक्रूटमेंट आ रही हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेट हैं, लेकिन ये जो नवोदय विद्यालय की हमारी होती हैं रीज़न, ये सिर्फ 8 ही रीज़न में आपको रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं भोपाल, भोपाल के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इन तीनों स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भोपाल रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हैदराबाद, हैदराबाद के लिए ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो कम्प्लीट यहाँ पर बनाई है काफ़ी डिटेल में, आप उसको भी चेक कर सकते हो। इस जगह के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो हैदराबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं जयपुर, जयपुर के जो रीज़न हैं, इस रीज़न में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की, लखनऊ रीज़न में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, पटना, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जो कि बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पुणे, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, इसके बाद नगर हवेली के कैंडिडेट्स जो हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द 8th जो हमारा नंबर है, शिलोंग, शिलोंग रीजन में मेघालय, इसके बाद असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया में जो भी हमारी स्टेट्स हैं उन सभी के लिए ये जो हमारे नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर आई हैं वो जो कि 8 रीज़न में इनको बांटा गया है। तो इस तरह से जो भी आपके आसपास रीज़न पड़ता है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक और इन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है कि
कोई भी कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही रीज़न के लिए अप्लाई कर सकता है, सिर्फ एक ही रीज़न के लिए। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट में पीजीटी टीजीटी जो भी आपके हिंदी इंग्लिश या बॉटनी जोलॉजी या इसके अलावा इकोनॉमिक्स सभी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। वैसे तो मैंने पटना और ये जो भोपाल के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, हैदराबाद के लिए भी। जैसे अब एक बार मैं दोबारा से आपको चंडीगढ़ के लिए बताती हूँ। जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ के लिए आपको अप्लाई करना है तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑलमोस्ट ये सभी रीज़न के लिए होगा। सकते हो जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आपको इस तरह से फॉर्मेट इसका देखने को मिलेगा। इसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, जैसे मैंने चंडीगढ़ के लिए निकाला है तो इस तरह से ये आएगा। इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ रीजन के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सेम ही क्राइटेरिया आपको बाकी के रीजन के लिए भी देखने को मिलेगा। इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर्मेट, तो इस तरह से यहाँ पर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन्स आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस रीज़न में यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन नीचे को होता जाएगा अपने आप से, यहाँ पर सभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। लेकिन ये जो मोर सर्कुलर्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे ऊपर आ रहा है नोटिस फॉर ग्रीवेंस राउंड एड ATT 2021 टू 2021, इसके बाद ये कंप्लीट आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर किसी को भी टच नहीं करना है। ये जो मोर सर्कुलर्स है इस पर मैंने क्लिक किया। इस अब जैसे ही इस लिंक के ऊपर हमने क्लिक किया तो इस तरह से हमें ये चंडीगढ़ रीजन के लिए देखने को मिल जाएगा। और नीचे इस तरह से आपको सभी जो नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि PDF जो डाउनलोड आप कर सकते हो, ये फर्स्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो इस टाइम किसी किसी रीज़न के लिए इन्होंने PDF डाली है, किसी में नहीं डाली है, लेकिन जो इनका लिंक है वो सभी रीज़न के लिए इन्होंने मेंशन किया है। जैसे आप इस जगह पर देख सकते हो, यहाँ पर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति इंस्ट्रक्शंस जो भी रहेंगी, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर ये रिक्रूटमेंट्स हैं, हम यहाँ पर चंडीगढ़ रीजन के लिए देख रहे हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ये आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है टीचर के लिए, जैसे 50 नंबर के ऊपर आप देख सकते हो, अगर टीचर के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो इस जगह पर क्लिक करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको FCSA के लिए अप्लाई करना है नवोदय विद्यालय समिति में, तो 60 नंबर के ऊपर आप क्लिक करके कंप्लीट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। इसके बाद लास्ट में आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अंडरटेकिंग यहाँ पर आपको टिक तभी करना है जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इनके टर्म्स और कंडीशंस हैं, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो जिस किसी भी रीज़न के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट से हमने ये रिक्रूटमेंट्स देखी हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू अपडेट के साथ। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।